चैन स्नेचिंग में लिप्त कामठी के कुख्यात अपराधी शाहिद अली को गिरफ्तार किया है। येरखेड़ा ग्राम पंचायत के पास रहने वाला शाहिद अली गुलाम अली लंबे वक्त से अपराध में लिप्त है। उसे नशे की लत है, इसके लिए वह अपराध करता है, उस पर 19 केस दर्ज है। मानीवाड़ा निवासी ज्योति सूजे पेला गढ़े 1 मार्च को परिवार सहित इतवारी आई थी। रात 9:15 बजे खरीदारी कर वे बच्चों और पिता के साथ घर जा रही थी। तहसील थाने से चंद कदमों की दूरी पर बाइक से आया शाहिद ज्योति के गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग गया। ज्योति की शिकायत पर तहसील पुलिस ने लूट का केस दर्ज किया। पुलिस को सीसीटीवी की जांच में शाहिद अली के लिप्त होने का पता चला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चेन स्नैचिंग का खुलासा हुआ। उससे मंगलसूत्र और लूट में इस्तेमाल बाइक जब्त की गई है। शाहिद ने 4 माह पूर्व कामठी में 2 भाइयों को चाकू मारकर गंभीर जख्मी किया था। इस केस में वह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। शाहिद से लूटपाट की दूसरी वारदातों का भी पता चलने की उम्मीद है। यह कार्रवाई जोन 3 के DCP गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में तहसील वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति सोनवने PSI भवाल मस्के व उनकी टीम ने की। आदेशानुसार आम्ही पोलीस स्टेशन तहसील हद्दी मध्ये सतत्याने पेट्रोलिंग करीत असताना वरिष्ठांनी सांगितल्याप्रमाणे पोस्ट हद्दी मध्ये बॅग लिफ्टिंग, वाहन चोरी तसेच चेन स्नॅचिंगचे गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आम्ही पेट्रोलिंग करीत असताना आम्हाला गाईडलाईन परिसरामध्ये एक संदिग्ध व्यक्ती मिळून आला। त्या व्यक्तीजवळ आम्ही गेले असता तो पळून जाण्याच्या तयारीत दिसला। पोलीस स्टाफच्या मदतीने आम्ही त्याला ताब्यात घेतले व त्याला सखोल पोलीस स्टेशनला आणून सखोल विचारपूस केली। सखोल विचारपूस केली असता त्यांनी पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीमध्ये नंगापुतला येते काही दिवसापूर्वी मंगळसूत्र जबरीने चोरून नेल्याचे त्यांनी सांगितलं। तसेच आरोपीकडून आणखी सखोल विचारपूस केली असता आरोपीने गुन्ह्यामध्ये वापरलेली एक सीताबर्डी येथील एक वाहन पॅशन प्रो गाडी क्रमांक आहे MH 49 V 53 या गाडीचा पण त्याने वापर केलेला आहे। तसेच तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले की सदरच्या आरोपीने हे नागपूर शहरातून 13 गुन्हे, चंद्रपूर शहर येथे 5 गुन्हे, भंडारा शहर येथे 1 गुन्हा असे एकंदरीत 19 गुन्हे आरोपीने केल्याचे निष्पन्न झाले। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN न्यूज नागपूर।